हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है सिनेमा दीवाने के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की मच अवेटेड वेब सीरीज जिसका नाम है राणा नायडू। इसकी स्टारकास्ट में हमारे आशीष विद्यार्थी, वेंकटेश यानी के वेंकी मामा, राणा दगुबत्ती और सुरवीन चावला। इससे भी ज्यादा बहुत सारी स्टारकास्ट है मगर मुझे उनका नाम पता नहीं, मगर सबने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जब भी ये लोग एक दूसरे से गालियां देते हैं और वो साले सीन, मतलब कि ठुकम ठुकाई वाले सीन, ये सभी सीन इन लोगों ने लाजवाब किए। हालांकि वेब सीरीज है क्राइम थ्रिलर वाली। ए मुन्ना रुक जा, मैं नाना हूँ, मैं आया, मैं करूंगा। अरे रुको दोस्तों, देखो मैं बताता हूँ, ये वेब सीरीज अभी याद रखो, अगर वेब सीरीज होगी तो उसके अंदर ठुकम ठुकाई होगी ही होगी। वेब सीरीज होगी तो उसके अंदर गाली गलौज भर भर के होगी, क्योंकि वेब सीरीज पे तो सेंसर बोर्ड आता नहीं है, हमारी गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, इसलिए वेब सीरीज वाले सब कुछ दिखाते है। अरे नाना कहाँ सब कुछ दिखाए, अरे वही तो सब कुछ दिखाते, यानी 99% दिखाते, सिर्फ 1% जो मेन चीज होती है वही नहीं दिखाते। अगर उनकी परमिशन दे देना भाई, तो ये जितने भी वेब सीरीज वाले हैं ना, जो भी डिज्नी प्लस गिन लो, नेटफ्लिक्स गिन लो, ये सभी सीधा वही दिखा दे, क्योंकि इनको तो वही आता है। अभी कॉपी करते क्या करते पता नहीं। अरे नाना इन लोगों ने एडेप्टेशन किया है रेड डोनोवन का। अरे रेड डोनोवन हो कि फे डोनोवन हो, अभी रीमेक किया, कॉपी पेस्ट किया, वो तो सही बात है, मगर उसके अंदर इतना ज्यादा यार, अरे एक्टर तो देखो, वेंकी मामा इसके अंदर, वेंकटेश भाई, मैंने इनकी F1 देखी भाई, कितना बढ़िया काम करते ये बंदा यार, और इसके अंदर फुल गाली गलौज देता है भाई। इतनी क्या मजबूरी थी, कौन सा पाप किया था तो इतनी गालियां दे रहे हो सर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी। अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से, अरे सिचुएशन के हिसाब से क्या, गाली पे गाली, गाली पे गाली, एक के ऊपर दूसरी गाली, दूसरे के ऊपर तीसरी गाली, गाली पे गाली चेपे ही जा रही है लोग यार। अरे राणा दगुबत्ती यार, राणा साहब मैंने आपका देखा वो बाहुबली में यार, आप बने थे भल्लाल देव यार, मतलब विलन में भी एक रिस्पेक्ट थी आपकी कि यार ऐसा तगड़ा विलन है, मगर इसके अंदर भी यार अभी मजा नहीं आया मुझे देखने में। अभी इतना हम पैसा देते हैं सब्सक्रिप्शन का, तो क्या गाली सुनने के लिए, और ये ठुकम ठुकाई ठुकम ठुकाई बस यार, कहीं पे भी किसी के साथ लड़का लड़की, लड़की लड़का, ऊपर नीचे आगे पीछे पता नहीं क्या क्या। अरे नाना फैमिली शो, अरे फैमिली गई तेल लेने भाई, अभी दिमाग घूम गया भाई। देखो दोस्तों सिर्फ 10 एपिसोड है और 45 मिनट से 50 मिनट गिन लो उसके आसपास ही है, और उसमें सबसे ज्यादा गालियां है और वो वाले सीन है। बाकी कहने को क्राइम थ्रिलर है, मगर क्राइम का आता नहीं और थ्रिलर का पता नहीं ये दोनों कहां चले गए, और पुलिस तो दिखती नहीं पता नहीं, इतना सारा क्राइम होता है वो भी पुलिस दिखती नहीं, पता नहीं कहां चली गई है, पुलिस भी कहां छुप के बैठी है वो भी पता नहीं इसके अंदर। अरे मैं तो बहुत एंग्री हो गया, वो भी एंग्री नाना हो गया। वैसे तो नाना पाटेकर मैं असली वाला नहीं, मगर मैं डुप्लीकेट वाला हूँ, मगर फिर भी मुझे बहुत दर्द हुआ। अरे यार क्या दिखा है इसके अंदर, फिक्सर दिखा है राणा को, जो सबका कांड जो भी होता है ना उसको फिक्स करता है, इसलिए उसे फिक्सर बोलते हैं। उसका बाप होता है वेंकी मामा। और दोनों के बीच में लड़ाई, गाली गलौज, ये वो पता नहीं, उसमें भी गाली गलौज। एक तो बाप बेटे में बनती नहीं, और बेटा सभी के फटे में टांग अड़ाता है, सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते हैं भाई, अजब स्टोरी है भाई, खुद के घर में वाट लगी और दूसरे का अच्छा करने जाए। अरे बहुत खर्चा किया, बहुत अच्छा प्रोडक्शन वैल्यू है। अरे नाना इतनी बुराई मत करो ना, नेटफ्लिक्स ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत पैसा डाला है। अरे देखा मुझे पैसा, अरे सारा पैसा गालियों में गया और वो वाले गंदे गंदे सीन में गया भाई। अरे भाई मेरी रिक्वेस्ट है, बगैर गाली के और बगैर गंदे गंदे सीन के और बगैर किस सीन के, एक ब्लॉकबस्टर अच्छी सीरीज बना के दिखाओ, अगर एक बाप की औलाद हो तो। मैं जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सबको कहना चाहता हूँ, मगर किसी में हिम्मत नहीं है भाई, कोई बना ही नहीं सकता भाई। अभी पब्लिक को भी वही देखना पसंद हो गया है। अभी देखो ना, पिछले कुछ ही दिनों में क्लास करके वेब सीरीज आई थी जो एकदम थर्ड क्लास थी, मगर अभी भी ट्रेंडिंग में चल रही है, क्योंकि मुझे पता है इस तरह की चीज देखने वाली पब्लिक बहुत ज्यादा, पब्लिक को यही माल चाहिए। तो नाना मैं वही कह रहा हूँ ना, पब्लिक को ऐसी चीजें देखने में मजा आता है, इसीलिए तो देखो अभी नेटफ्लिक्स पे जाओ और देखो। अरे मुन्ना तू अभी पब्लिसिटी मत कर, देखो आप अपने रिस्क पे जाके देख सकते हो, फैमिली के साथ मत देखना, मतलब लग जाएगी, इतने याद रखना, बहुत ही गालियां है। अरे ना इतनी बुराई की, अच्छाई देखो। अरे देखो अच्छाई की बात, मैं वेंकी मामा का अच्छा वाला फैन हूँ भाई, बहुत अच्छा काम करता है बंदा। अनारी मूवी देखी थी भाई सब क्या एक्टिंग करता है, और अक्कुम बक्कुम वाली मूवी वो देखी थी ना, लोग पल्लोक जैसा वो पता नहीं हवा में से आते है भाई, अक्कुम बक्कुम करता है भाई, बहुत बढ़िया एक्टर है, मगर यार इस तरह गाली मत दो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता यार, मैं ऐसा फैन अपने यार स्टार को ऐसा गाली देते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट में बताइए, क्या आप भी अपने फेवरेट स्टार को
गाली गलौज देते हुए या ठुकम ठुका इस तरह के रोल करते हुए देखना चाहते हो क्या? मैं तो नहीं चाहता भाई, मेरे लिए तो मेरे पसंद के सुपरस्टार भगवान के समान होते रहो यार ये। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। ये था मेरा और नाना का ओपिनियन। अगर आपकी क्या राय इसके बारे में कॉमेंट में बताइए। हम ना ही किसी की तारीफ कर रहे, ना ही किसी की बुराई, मगर हमें ये वेब सीरीज थोड़ी अनकंफर्टेबल लगी क्योंकि इसके अंदर हद से ज्यादा गालियां, हद से ज्यादा वो वाले सीन, समझ रहे हो ना, वो थोड़ा कम हो सकता था, या तो इरेज भी कर दो यार, उसकी जरूरत नहीं थी। मगर एक चीज की गारंटी, ये वेब सीरीज काफी लंबे समय तक ट्रेंडिंग पे चलेगी क्योंकि इस जैसी वेब सीरीज देखने की पब्लिक बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर। आपका क्या कहना है कॉमेंट में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।